पर दोस्तों गुम है किसी के प्यार में आने वाले एपिसोड में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहां पर ईशान भी समझा रहा है और आप लोग जानते हैं ईसा वगैरह भी सब समझाते हुए नजर आ रही हैं आखिरकार सभी को, क्योंकि दोस्तों सभी को सुनने को तैयार नहीं है। सभी को लग रहा है कि लगता है ईशान भी आयुष से मिल चुका है और ये आयुष के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट रेस नहीं करेगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाले एपिसोड एक नहीं बल्कि समय कई मुद्दे में बेहद ज़्यादा खास हो चुका है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ इस तरीका से भी इसका कुछ परिणाम निकलता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि यहां पर बोलता हुआ नजर आ रहा है ईशान, वो भी सभी से, कि तुम साबित करना क्या चाहती हो, जिसके बाद में बोलती हुई नजर आने वाली है सभी कि हाँ मुझे पता है कि तुम आयुष की फैमिली से मिल चुके हो और ना ही तुम इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करोगे, इसलिए मैं इस हॉस्टल को छोड़कर जा रही हूँ। लोग जानते हैं इस चीज़ को कि सभी जो चाहती है वो करके ही दम लेती है और इस समय सभी बहुत ऐसी चीज़ कर रही है कि जो उसे वास्तविक करनी भी नहीं चाहिए। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक नहीं बल्कि समय कई मुद्दों में बेहद ज़्यादा खास और बेहद ज़्यादा अलग देखने को मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये दुश्मनी कितनी ज़्यादा रंग लाती है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो हड़ताल पर बैठने वाली है सभी और सभी अपना आंदोलन जो कर रही है ये सभी पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता हुआ भी नज़र आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ईशान बोलता हुआ नज़र आएगा कि ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए भी एक नहीं बल्कि समय बहुत ज़्यादा कोशिश करता हुआ नज़र आएगा।